अक्सर वहाँ बिदतियों का गौर है हैदराबाद में। बहरहाल कुछ मस्जिदें भी नहीं है इसी बात में। तो बाद इमामों का तो अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं और बशर नहीं नूर है और हाजिर और नाजिर भी है और बाद ऐसे हैं जिनका अकीदा तो नहीं है लेकिन उनकी मस्जिदों में इमामत करने की वजह से उनकी हाँ में हाँ जाता है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, हम ऐसी मतलब जमात वाले यूँ कहते हैं कि भाई उनका दीन की बात भी पहुँचानी है तो वो भी उनके पीछे नमाज पढ़ सकते तो उनको क्या करना है। ये पूछ रहे हैं कोई 10 साल से पढ़ रहा लेकिन मसला मालूम हुआ आप क्या करें। यहाँ एक शुआर में जावे मिली थी हमारे इमाम भवन में झगड़ा कर लिया घुस गए आखिर के ना घुस जाते बात को खाने तक अंदाज परेशान जी मुसलमान ही मुसलमान मदीन झगड़ा। उसने कहा कि भाई अगर इनका ही वहाँ पढ़े तो मार नहीं हुई वो भी कोई पढ़ेगा तो उन्होंने बरेली में कहा हमारी होगी भगवान जी का जमात का जोड़ हो रहा था उनसे पूछा हमारे तो सुख नहीं छोड़ रहा उसने कहा कि ठीक है इमाम इनका रहेगा तो मुझे जो होगा जाना ही नहीं इस तरह 30 मस्जिदें भी हैं इसी आराम हमारी बात उनके पीछे तो नहीं होती है मुझे इसका एक साल ना लगा जिसका एक साल ना लगा हुआ उसके पीछे तो नहीं होती वो अलग बात आलिम की पिछड़ी आए हम लोगों को ताजानी आए हम लोगों को कंट्रोल नहीं होता और यहाँ से आगे बहुत से ताजियाँ पहुँच गई क्या करें अरे शुरू नहीं किया।